यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम आश्रम वासिक पर्व 11वां अध्याय धृतराष्ट्र का विदुर के द्वारा युधिष्ठिर से श्राद्ध के लिए धन मांगना, अर्जुन की सहमति और भीमसेन का विरोध। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ, तब अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को युधिष्ठिर के महल में भेजा। राजा की आज्ञा से अपने धर्म से कभी विचलित न होने वाले राजा युधिष्ठिर के पास जाकर समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विदुर ने इस प्रकार कहा, राजन, महाराज धृतराष्ट्र वनवास की दीक्षा ले चुके हैं। इसी कार्तिकी पूर्णिमा को, जो कि अब निकट आ पहुंची है, वो वन की यात्रा करेंगे। कुरुकुल श्रेष्ठ, इस समय वो तुमसे कुछ धन लेना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि महात्मा भीष्म, द्रोणाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान बाहलीक और युद्ध में मारे गए अपने समस्त पुत्रों तथा अन्य सुहृदों का श्राद्ध करें। यदि तुम्हारी सम्मति हो तो वो उस नराधम सिंधुराज जयद्रथ का भी श्राद्ध करना चाहते हैं। विदुर की यह बात सुनकर युधिष्ठिर तथा पांडुपुत्र अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और उनकी सराहना करने लगे। परंतु महातेजस्वी भीमसेन के हृदय में उनके प्रति अमिट क्रोध जमा हुआ था। उन्हें दुर्योधन के अत्याचारों का स्मरण हो आया, अतः उन्होंने विदुर जी की बात नहीं स्वीकार की। भीमसेन के उस अभिप्राय को जानकर किरीटधारी अर्जुन कुछ विनीत हो उन नरश्रेष्ठ से इस प्रकार बोले, भैया भीम, राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ और वृद्ध पुरुष हैं। इस समय वो वनवास की दीक्षा ले चुके हैं और जाने के पहले वो भीष्म आदि समस्त सुहृदों का औध्वदेहिक श्राद्ध कर लेना चाहते हैं। महाबाहु, कुरुपति धृतराष्ट्र आपके द्वारा जीते गए धन को आपसे मांग उसे भीष्म आदि के लिए देना चाहते हैं, अतः आपको इसके लिए स्वीकृति दे देनी चाहिए। महाबाहु, सौभाग्य की बात है कि आज राजा धृतराष्ट्र हम लोगों से धन की याचना करते हैं। समय का उलटफेर तो देखिए, पहले हम लोग उनसे याचना करते थे, आज वो ही हमसे याचना कर रहे हैं। एक दिन जो संपूर्ण भूमंडल का भरण पोषण करने वाले नरेश थे, उनके सारे मंत्री और सहायक शत्रुओं द्वारा मार डाले गए और आज वो वन में जाना चाहते हैं। पुरुष सिंह, अतः आप उन्हें धन देने के सिवा दूसरा कोई दृष्टिकोण ना अपनाएं। महाबाहु, उनकी याचना ठुकरा देने से बढ़कर हमारे लिए और कोई कलंक की बात नहीं होगी। उन्हें धन न देने से हमें अधर्म का भी भागी होना पड़ेगा। आप अपने बड़े भाई ऐश्वर्यशाली महाराज युधिष्ठिर के बर्ताव से शिक्षा ग्रहण करें। हे भरतश्रेष्ठ, आप भी दूसरों को देने के ही योग्य हैं, दूसरों से लेने के योग्य नहीं। ऐसी बात कहते हुए अर्जुन की धर्मराज युधिष्ठिर ने भूरी भूरी प्रशंसा की। तब भीमसेन ने कुपित होकर उनसे ये बात कही, अर्जुन, हम लोग स्वयं ही भीष्म, राजा सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजर्षि बाहलीक, महात्मा द्रोणाचार्य तथा अन्य सब संबंधियों का श्राद्ध करेंगे। हमारी माता कुंती कर्ण के लिए पिंडदान करेंगी। पुरुष सिंह, मेरा यही विचार है कि कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र उक्त महानुभावों का श्राद्ध न करें। इसके लिए हमारे शत्रु हमारी निंदा न करें। जिन कुलांगारों ने इस सारी पृथ्वी का विनाश कर डाला, वो दुर्योधन आदि सब लोग भारी से भारी कष्ट में पड़ जाएं। तुम वो पुराना वैर, वो 12 वर्षों का वनवास और द्रौपदी के शोक को बढ़ाने वाला 1 वर्ष का गहन अज्ञातवास सहसा भूल कैसे गए? उन दिनों धृतराष्ट्र का हमारे प्रति स्नेह कहां चला गया था, जब तुम्हारे आभरण एवं आभूषण उतार लिए गए और तुम काले मृग चर्म से अपने शरीर को ढंक कर द्रौपदी के साथ राजा के समीप गए? उस समय द्रोणाचार्य और भीष्म कहां थे? सोमदत्त जी भी कहां चले गए थे? जब तुम सब लोग
13 वर्षों तक वन में जंगली फल मूल खाकर किसी तरह जी रहे थे, उन दिनों तुम्हारी ये ताऊ जी पिता के भाव से तुम्हारी ओर क्यों नहीं देखते थे? पार्थ, क्या तुम उस बात को भूल गए? जबकि ये कुलांगार दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र जुआ आरंभ कराकर विदुर जी से बार बार पूछता था कि इस दांव में हम लोगों ने क्या जीता है। भीमसेन को ऐसी बातें करते देख बुद्धिमान कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने उन्हें डांट कर कहा, चुप रहो। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रमवास पर्व में 11वां अध्याय पूरा हुआ। 12वां अध्याय, अर्जुन का भीम को समझाना और युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र को यथेष्ट धन देने की स्वीकृति प्रदान करना। अर्जुन बोले, भैया भीमसेन, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता और गुरुजन हैं, अतः आपके सामने मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कह सकता कि राजर्षि धृतराष्ट्र सर्वथा समादर के योग्य हैं। जिन्होंने आर्यों की मर्यादा भंग नहीं की है, वो साधु स्वभाव वाले श्रेष्ठ पुरुष दूसरों के अपराधों को नहीं उपकारों को ही याद रखते हैं। महात्मा अर्जुन की ये बात सुनकर धर्मात्मा कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा, चाचा जी, आप मेरी ओर से कौरव नरेश धृतराष्ट्र से जाकर कह दीजिए कि वो अपने पुत्रों का श्राद्ध करने के लिए जितना धन चाहते हो वो सब मैं दूंगा। प्रभु, भीष्म आदि समस्त उपकारी सुहृदों का श्राद्ध करने के लिए केवल मेरे भंडार से धन मिल जाएगा, इसके लिए भीमसेन अपने मन में दुखी ना हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर धर्मराज ने अर्जुन की बड़ी प्रशंसा की। उस समय भीमसेन ने अर्जुन की ओर कटाक्ष पूर्वक देखा। तब बुद्धिमान युधिष्ठिर ने विदुर से कहा, चाचा जी, राजा धृतराष्ट्र को भीमसेन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आपको तो मालूम ही है कि वन में हिम वर्षा और धूप आदि नाना प्रकार के दुखों से बुद्धिमान भीमसेन को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा है। आप मेरी ओर से राजा धृतराष्ट्र से कहिए कि भरत श्रेष्ठ, आप जो जो वस्तु जितनी मात्रा में लेना चाहते हो उसे मेरे घर से ग्रहण कीजिए। भीमसेन अत्यंत दुखी होने के कारण जो कभी ईर्ष्या प्रकट करते हैं उसे वो मन से ना लगाएं। ये बात आप महाराज से अवश्य कह दीजिएगा। मेरे और अर्जुन के घर में जो कुछ भी धन है उस सब के स्वामी महाराज धृतराष्ट्र हैं, ये बात उन्हें बता दीजिए। वो ब्राह्मणों को यथेष्ट धन दें, जितना खर्च करना चाहें करें, आज वो अपने पुत्रों और सुहृदों के ऋण से मुक्त हो जाए। उनसे कहिए, जनेश्वर, मेरा ये शरीर और सारा धन आपके ही अधीन है, इस बात को आप अच्छी तरह जान लें। इस विषय में मेरे मन में कोई संशय नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रमवास पर्व में युधिष्ठिर का अनुमोदन विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। 13वां अध्याय, विदुर का धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का उदारतापूर्ण उत्तर सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर जी धृतराष्ट्र के पास जाकर ये महान अर्थ से युक्त बात बोले, महाराज, मैंने महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर के यहां आपका संदेश आरंभ से ही कह सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की। महातेजस्वी अर्जुन भी आपको अपना सारा घर सौंपते हैं। उनके घर में जो कुछ धन है उसे और अपने प्राणों को भी वो आपकी सेवा में समर्पित करने को तैयार है। राजर्षि, आपके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज्य, प्राण, धन तथा और जो कुछ उनके पास है सब कुछ आपको दे रहे हैं, परंतु महाबाहु भीमसेन ने पहले के समस्त क्लेशों का, जिनकी संख्या अधिक है, स्मरण करके लंबी सांस खींचते हुए बड़ी कठिनाई से धन देने की अनुमति दी है। राजन,
धर्मशील राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने भी महाबाहु भीमसेन को भली भांति समझाकर उनके हृदय में भी आपके प्रति सौहार्द उत्पन्न कर दिया है। धर्मराज ने आपसे कहलाया है कि भीमसेन पूर्व वैर का स्मरण करके जो कभी कभी आपके साथ अन्याय सा कर बैठते हैं, उसके लिए आप इन पर क्रोध न कीजिएगा। नरेश्वर, क्षत्रियों का ये धर्म प्रायः ऐसा ही है। भीमसेन युद्ध और क्षत्रिय धर्म में प्रायः निरत रहते हैं। भीमसेन के कटु बर्ताव के लिए मैं और अर्जुन दोनों आपसे बार बार क्षमा याचना करते हैं। नरेश्वर, आप प्रसन्न हो, मेरे पास जो कुछ भी है उसके स्वामी आप ही हैं। पृथ्वीनाथ, हे भरत नंदन, आप जितना धन दान करना चाहें करें, आप मेरे राज्य और प्राणों के भी ईश्वर हैं। ब्राह्मणों को माफी, जमीन दीजिए और पुत्रों का श्राद्ध कीजिए। युधिष्ठिर ने यह भी कहा है कि महाराज धृतराष्ट्र, मेरे यहां से नाना प्रकार के रत्न, गऊएं, दास, दासियां और भेड़ बकरे मंगवाकर ब्राह्मणों को दान करें। विदुर जी, आप राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से दीनों, अंधों और कंगालों के लिए भिन्न भिन्न स्थानों में प्रचुर अन्न, रस और पीने योग्य पदार्थों से भरी हुई अनेक धर्मशालाएं बनवाइए तथा गऊओं के पानी पीने के लिए बहुत से पौंसलों का निर्माण कीजिए। साथ ही दूसरे भी विविध प्रकार के पुण्य कीजिए। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर और अर्जुन ने मुझसे बार बार कहा है। अब इसके बाद जो कार्य करना हो उसे आप बताइए। जन्मेजय, विदुर के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने पांडवों की बड़ी प्रशंसा की और कार्तिक की तिथियों में बहुत बड़ा दान करने का निश्चय किया। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रमवासिक पर्व के अंतर्गत आश्रमवास पर्व में विदुर का वाक्य विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ। 14वां अध्याय, राजा धृतराष्ट्र के द्वारा मृत व्यक्तियों के लिए श्राद्ध एवं विशाल दान यज्ञ का अनुष्ठान। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, विदुर के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र युधिष्ठिर और अर्जुन के कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर उन्होंने भीष्म जी तथा अपने पुत्र के श्राद्ध के लिए सुयोग्य एवं श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों तथा सहस्त्रों सुहृदों को निमंत्रित किया। निमंत्रित करके उनके लिए अन्न, पान, सवारी, ओढ़ने के वस्त्र, सुवर्ण मणि, रत्न, दास दासी, भेड़ बकरे, कंबल, उत्तम उत्तम रत्न, ग्राम, खेत, धन, आभूषणों से विभूषित हाथी और घोड़े तथा सुंदरी कन्याएं एकत्र की। तत्पश्चात उन नृपश्रेष्ठ ने संपूर्ण मृत व्यक्तियों के उद्देश्य से एक एक का नाम लेकर पहले बताई गई वस्तुओं का दान दिया। द्रोण, भीष्म, सोमदत्त, बाहलीक, राजा दुर्योधन तथा अन्य पुत्रों का और जयद्रथ आदि सभी सगे संबंधियों का नामोच्चारण करके उन सब के निमित्त पृथक पृथक दान किया। वो श्राद्ध यज्ञ युधिष्ठिर की सम्मति के अनुसार बहुत से धन की दक्षिणा से सुशोभित हुआ। उसमें नाना प्रकार के धन और रत्नों की राशियां लुटाई गईं। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से हिसाब लगाने और लिखने वाले बहुतेरे कार्यकर्ता वहां निरंतर उपस्थित रहकर धृतराष्ट्र से पूछते रहते थे कि बताइए इन याचकों को क्या दिया जाए, यहां सब सामग्री उपस्थित ही है। धृतराष्ट्र ज्यों ही कहते त्यों ही उतना धन उन याचकों को वो कर्मचारी दे देते थे। बुद्धिमान कुंती पुत्र युधिष्ठिर के आदेश से जहां 100 देना था वहां 1000 दिया गया और 1000 की जगह 10,000 बांटा गया। जिस प्रकार मेघ पानी की धारा बहाकर खेती को हरी भरी कर देता है, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र रूपी मेघ ने धन रूपी वारी धारा की वर्षा करके समस्त ब्राह्मण रूपी खेती को तृप्त एवं हरी भरी कर दिया। महामते, तदनंतर सभी वर्णों के लोगों को भांति भांति के भोजन और पीने योग्य रस प्रदान करके राजा ने उन सब को संतुष्ट कर दिया। वो दान यज्ञ एक उमड़ते हुए महासागर के समान जान पड़ता था। वस्त्र, धन और रत्न ये ही उसके प्रवाह थे। मृदंगों की ध्वनि उस समुद्र की गर्जना थी।
उसका स्वरूप विशाल था। गाय, बैल और घोड़े उसमें घड़ियालों और भंवरों के समान जान पड़ते थे। नाना प्रकार के रत्नों का वो महान आकर बना हुआ था। दान में दिए जाने वाले गांव और माफी भूमि, ये ही उस समुद्र के द्वीप थे। मणि और सुवर्णमय जल से वो लबालब भरा था और धृतराष्ट्र रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर उसमें ज्वार सा उठ गया था। इस प्रकार उस दान सिंधु ने संपूर्ण जगत को आप्लावित कर दिया था। महाराज, इस प्रकार उन्होंने पुत्रों, पौत्रों और पितरों का तथा अपना एवं गांधारी का भी श्राद्ध किया। जब अनेक प्रकार के दान देते देते राजा धृतराष्ट्र बहुत थक गए, तब उन्होंने उस दान यज्ञ को बंद किया। गुरुनंदन, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने दान नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें प्रचुर अन्न, रस एवं असंख्य दक्षिणा का दान हुआ। उस उत्सव में नटों और नर्तकों के नाच गान का भी आयोजन किया गया था। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार लगातार 10 दिनों तक दान देकर अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र पुत्रों और पौत्रों के ऋण से मुक्त हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रम वास पर्व में दान यज्ञ विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ। 15वां अध्याय, गांधारी सहित धृतराष्ट्र का वन को प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर 11वें दिन प्रातःकाल गांधारी सहित बुद्धिमान अंबिका नंदन धृतराष्ट्र ने वनवास की तैयारी करके वीर पांडवों को बुलाया और उनका यथावत अभिनंदन किया। उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा थी। उसमें उन्होंने वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों से यात्रा कालोचित इष्टि करवाकर वलकल और मृग चर्म धारण किए और अग्निहोत्र को आगे करके पुत्र वधुओं से घिरे हुए राजा धृतराष्ट्र राजभवन से बाहर निकले। विचित्र वीर नंदन राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार प्रस्थान करने पर कौरवों और पांडवों की स्त्रियां तथा कौरव राजवंश की अन्यान्य महिलाएं सहसा रो पड़ी। उनके रोने का महान शब्द उस समय सब ओर गूंज उठा था। घर से निकलकर राजा धृतराष्ट्र ने लावा और भांति भांति के फूलों से उस राजभवन की पूजा की और समस्त सेवक वर्ग का धन से सत्कार करके उन सब को छोड़कर वो महाराज वहां से चल दिए। तात, उस समय राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए कांपने लगे, आंसुओं से उनका गला भराया। वो जोर जोर से महान आर्तनाद करते हुए फूट फूट कर रोने लगे और महात्मन, आप मुझे छोड़कर कहां चले जा रहे हैं, ऐसा कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय भरत वंश के अग्रगण्य वीर अर्जुन दुस्सह दुख से संतप्त हो बारंबार लंबी सांस खींचते हुए वहां युधिष्ठिर से बोले, भैया आप ऐसे अधीर ना हो जाइए। यो कहकर वो उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर दीन की भांति शिथिल होकर बैठ गए। तत्पश्चात युधिष्ठिर सहित भीमसेन, अर्जुन, वीर माद्री कुमार, विदुर, संजय, वैश्यापुत्र युयुत्सु, कृपाचार्य, धौम्य तथा और भी बहुत से ब्राह्मण आंसू बहाते हुए गदगद कंठ होकर उनके पीछे पीछे चले। आगे आगे कुंती अपने कंधे पर रखे हुए गांधारी के हाथ को पकड़े चल रही थी। उनके पीछे आंखों पर पट्टी बांधे गांधारी थी और राजा धृतराष्ट्र गांधारी के कंधे पर हाथ रखे निश्चिंतता पूर्वक चले जा रहे थे। ध्रुपद कुमारी कृष्णा, सुभद्रा, गोद में नन्हा सा बालक लिए उत्तरा, कौरव्य नाग की पुत्री उलूपी, बभ्रुवाहन की माता चित्रांगदा तथा अन्य जो कोई भी अंतःपुर की स्त्रियां थीं, वो सब अपनी बहुओं सहित राजा धृतराष्ट्र के साथ चल पड़ी। राजन, उस समय वो सब स्त्रियां दुख से व्याकुल हो कुररियों के समान उच्च स्वर से विलाप कर रही थीं। उनके रोने का कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया था। उसे सुनकर पुरवासी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों की स्त्रियां भी चारों ओर से घर छोड़कर बाहर निकल आईं। राजन, जैसे पूर्व काल में
द्यूत क्रीड़ा के समय कौरव सभा से निकलकर वनवास के लिए पांडवों के प्रस्थान करने पर हस्तिनापुर के नागरिकों का समुदाय दुख में डूब गया था, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के जाते समय भी समस्त पुरवासी शोक से संतप्त हो उठे थे। रनिवास की जिन रमणियों ने कभी बाहर आकर सूर्य और चंद्रमा को भी नहीं देखा था, वो ही कौरव राज धृतराष्ट्र के महावन के लिए प्रस्थान करते समय शोक से व्याकुल होकर खुली सड़क पर आ गई थी। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रमवास पर्व में धृतराष्ट्र का नगर से निकलना विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।